नमस्कार, एसपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। श्रीलंका संकट के बीच पीएम रानिल विक्रमसिंघे का इस्तीफा, बोले सर्वदलीय बैठक में होगा फैसला, स्पीकर बने रहेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति गोटाबाया भी देंगे इस्तीफा। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में गृह युद्ध की आग, राष्ट्रपति भवन पर उग्र भीड़ का कब्जा, कोलंबो की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, सेना और पुलिस से भी हुई झड़प। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस, वापस लौटकर कैबिनेट विस्तार की तैयारी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्धव पर हमला, कहा दाऊद के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए उद्धव। मां काली के अपमान और उदयपुर अमरावती हत्याकांड पर दिल्ली तक घमासान, बोले वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा, धमकी मिली तो करेंगे रक्षा। आतंकवादी को लेकर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने बोला धावा, कहा उन्होंने अपनी हमेशा अपनाई तुष्टीकरण की नीति, हमेशा किया दहशतगर्दी का समर्थन। संघ की बैठक में महुआ और लीना पर दो टूक प्रहार, कहा धार्मिक भावना पर चोट का किसी को नहीं हक, उदयपुर हत्या की मुस्लिम समाज करे निंदा। उत्तर क्षेत्रीय काउंसिल की बैठक में अमित शाह की अध्यक्षता में आंतरिक सुरक्षा पर मंथन, सीएम गहलोत ने भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड समेत कई मुद्दों को उठाया, हरियाणा के सीएम खट्टर सहित 8 राज्यों के प्रतिनिधि जुटे। जयपुर बीजेपी दफ्तर में अमित शाह की कोर टीम के साथ चाय पर चर्चा, राजस्थान सियासी और अन्य मुद्दों पर हुई अनौपचारिक बातें, राजे पूनिया, अरुण सिंह और चंद्रशेखर समेत कई नेताओं के साथ मंथन। कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच कर रही एनआईए पहुंची अजमेर, खादिम गौहर चिश्ती के कनेक्शन की करेगी जांच, गौहर चिश्ती भड़काऊ नारेबाजी के मामले में चल रहा फरार। दिल्ली में बीजेपी ने कांग्रेस को आतंकवाद समेत कई मसलों पर घेरा, कहा आश्चर्य का विषय है कि देश के 22 जगहों पर कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, हाफिज सईद ने कहा था कांग्रेस अच्छी पार्टी। जासूसी का आरोप झेल रहे सेना के 4 अधिकारी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, फोन जब्त करने को बताया निजता का हनन, याचिका में बताया कि जासूसी मामले को लेकर सेना ने जांच की जिसमें इन 4 अधिकारियों को कोई लिंक इनका नहीं पाया गया। तमिलनाडु में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के चेन्नई स्थित आवास पर सीबीआई का छापा, चीनी वीजा मामले को लेकर सीबीआई की कार्रवाई, घर के एक हिस्से को सील कर दिया गया था क्योंकि उस हिस्से की चाबियां उपलब्ध नहीं थी। ममता बनर्जी की टीएमसी ने शिंजो आबे हत्याकांड को अग्निपथ योजना से जोड़ा, टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला ने लिखा आबे की हत्या करने वाला व्यक्ति ने बिना पेंशन के तहत सेना में काम किया था। शिमला में भारी बारिश के बीच ताश के पत्तों की तरह ढह गई 3 मंजिला इमारत, हादसे में कोई हताहत नहीं। इस इमारत में यूको बैंक की एक शाखा, एक ढाबा, एक बार और एक अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थित थे। देश में एक बार फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, कोरोना के 18,840 नए केस मिले जबकि 43 संक्रमित मरीजों की मौत हुई। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही, तमिलनाडु में 2,722 और कर्नाटक में 1,037 नए मामले सामने आए। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा, उन्होंने ट्वीट कर सिलेंडर को सजावट की वस्तु बताया। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए, इस बार शिव भक्तों का हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जाएगी। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी, इस बीच मौसम केंद्र देहरादून ने पौड़ी और नैनीताल जिले में भारी बारिश की संभावना जताई और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र में मानसूनी भारी बारिश का दौर जारी है, महाराष्ट्र के मुंबई में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया, वहीं अब कोंकण इलाके में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पहले दिन की धड़ाम साबित हुई खुदा हाफिज 2 फिल्म को दर्शकों से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन में सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। अमेरिका में गर्भपात पर रोक के कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी, जो बाइडेन ने किया हस्ताक्षर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आलोचना करते हुए लोगों से फैसले से निराश न होने की अपील की। यूक्रेन और रूस 24 फरवरी से जंग लड़ रहे हैं, इस बीच यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया है, अब रूस ने डोनेट्स्क ओब्लास्ट में बखमुट और सिवर्स्क को निशाना बनाया, रूस के हमले में यूक्रेन के 5 लोगों की मौत हो गई।
जयपुर में ट्राइटन मॉल की छत से कूदकर युवक ने आत्महत्या की। सीसीटीवी में कैद हुई कूदने की तस्वीरें। मृतक के मोबाइल से शिनाख्तगी के प्रयास। उदयपुर कोटा में पकड़े गए 5 मुन्ना भाई। उदयपुर पुलिस ने ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के दौरान 4 फर्जी अभ्यर्थियों को किया गिरफ्तार, तो कोटा में ग्राम सेवक परीक्षा में धरा गया मुन्ना भाई। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और आईजी प्रफुल्ल कुमार ने राजसमंद के भीम का दौरा किया। भीम में उपजे विवाद और पुलिस पर हुए हमले को लेकर फीडबैक लिया, साथ ही शांति समिति की बैठक ली और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बाड़मेर की समदड़ी में जोधपुर के पूर्व महाराजा गत सिंह का राजपूत समाज ने भव्य स्वागत किया। दुर्गादास राठौर मूर्ति का अनावरण हुआ, साथ ही कार्यक्रम में भामा शाहू का सम्मान किया गया। हनुमानगढ़ में सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव मानुका में ठेकेदार की हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। मुख्य आरोपी राजकुमार उर्फ राजू डूडी को सूरतगढ़ से गिरफ्तार किया। बारिशों का मौसम शुरू होने के साथ ही अब घरों से सांप निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जोधपुर के गोलनाडी स्थित एक मकान के बाथरूम में कोबरा सांप निकल आया, पूरे घर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। झुंझुनू में सरकारी अस्पतालों में पीएम सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। महिला चिकित्सक डॉक्टर अरसा चौधरी ने गर्भवती महिलाओं की रूटीन जांच की और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के उपखंड कार्यालय में ईद उल जुहा को लेकर एसडीएम ने शांति समिति की बैठक ली। बैठक में एसडीएम ने त्योहार को प्रेम और भाईचारे से मनाने की अपील की। इस दौरान अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में ईद को लेकर पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। छोटी सादड़ी में पुलिस ने एसपी अनिल बेनीवाल के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला, तो प्रतापगढ़ शहर के चप्पे चप्पे पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। कुचामन विकास समिति की ओर से रेलवे स्टेशन पर कई सुविधाओं का विस्तार होगा। मुख्य प्लेटफॉर्म पर प्रवेश द्वार के पास भूमि का आवंटन यात्री विश्राम गृह बनाने के लिए हो गया है, जिस पर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ब्यावर के बाबरा स्थित राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक स्कूल के कक्ष में कोबरा सांप घुस गया। पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सिंह बर ने सांप का रेस्क्यू किया। सांप को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा गया। फतेहपुर शेखावटी में हिंदू संगठनों ने मौन जुलूस निकाला। संतों के सानिध्य में हिंदू समाज ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की। प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक मिनी सचिवालय सभागार में हुई। कलेक्टर सौरभ स्वामी और जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार मौजूद रहे, जिनमें कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। कुचामन महाविद्यालय में अग्निपथ योजना के विषय में सेमिनार का आयोजन हुआ। व्याख्याता महेंद्र मिश्रा ने लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल रसीद समेत मेहमानों का स्वागत किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर जोधपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की ओर से वाहन रैली का आयोजन हुआ। ये वाहन रैली कमला नेहरू कॉलेज से रवाना होकर स्वामी विवेकानंद स्मारक स्थल पहुंची। बूंदी के ग्रामीण छात्र संगठन ने राजकीय महाविद्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। कोटा यूनिवर्सिटी आयुक्त के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा और फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग की। सैबो में उपखंड कार्यालय पर एसडीएम ललित मीणा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। ईद के पर्व को लेकर सांप्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की बैठक का आयोजन किया गया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जिला 12 की कार्यकारिणी का निर्वाचन चुनाव पर्यवेक्षक रविन्द्र सोनी के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ। निर्वाचन के दौरान नव निर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। ऋषिराज मीणा जिलाध्यक्ष जिला बने। चूरू के छापर में 13 पंथ धर्म संघ का चातुर्मास का आगाज शनिवार को आचार्य महाश्रवण ने महामंत्रोच्चार के साथ किया। महाश्रवण ने कहा कि अहिंसा ही धर्म है, किसी भी धर्म में हिंसा को अच्छा नहीं माना गया है। बांसवाड़ा के कलेक्ट्रेट सभागार में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में आगामी त्योहारों को लेकर चर्चा की गई। कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर के तिवरी में ट्रेन की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। जैसलमेर के भणियाणा में बारिश की कामना के लिए सदियों पुरानी परंपरा देखने को मिली। बारिश की मन्नत के लिए किसानों ने निभाई परंपरा। इस अवसर पर किसानों ने खीर बनाकर बांटी। चमू के रेनवाल रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने मचाया आतंक। कार में सवार 3 बच्चों के साथ की मारपीट। घटना के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भरतपुर में डकैती प्रकरण में 2 लोगों को सुनाई 7 साल की सजा, साथ ही 2000 रुपए का जुर्माना लगाया। वर्ष 2015 से चल रहे कोर्ट के मामले में अब जाकर सुनवाई हुई।
उदयपुर के मावली से विधायक और विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक धर्म नारायण जोशी झुंझुनू पहुंचे। यहां पुरोहितों की बागीची में जोशी का स्वागत किया गया। झुंझुनू पहुंचने पर विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष गोपी शरण पारिक के नेतृत्व में स्वागत किया गया। पाली के सिंधी कॉलोनी के निकट हुई घटना, ट्रक से मार्बल उतारते वक्त हादसा हुआ, मार्बल के बीच दबे युवक का रेस्क्यू किया गया। कोटा में ईद उल अजहा के त्यौहार को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात। एसपी कविंद्र सिंह ने आमजन से शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील। नागौर के मेड़ता में शहर की मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त होने से आमजन परेशान। पार्षद प्रतिनिधि ने कई बार पालिका अध्यक्ष को कराया समस्या से अवगत। उदयपुर में ईद उल अजहा का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। लेक सिटी की मस्जिद में सुबह 8:30 बजे से ईद की नमाज अदा की जाएगी। इस दौरान मार्गों पर पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। डूंगरपुर के विधायक ने गांगड़ी नदी पर पुल और सड़क का लोकार्पण किया। 1,35,00,000 की लागत से बनी सड़क से लोगों को आवागमन के लिए राहत मिलेगी। विधायक घोगरा ने जनसभा को संबोधित किया। पाली के सुमेरपुर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, जनता से की शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाने की अपील। त्यौहारों को लेकर पुलिस अलर्ट। इस मौके पर एसीपी ब्रजेश सोनी रहे मौजूद। डूंगरपुर के नया गांव में पैंथर के आतंक से ग्रामीण भयभीत होकर डूंगरपुर जिला मुख्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने उपवन संरक्षक को ज्ञापन देकर पैंथर का रेस्क्यू करने और पशुधन को सुरक्षा देने की मांग की। अजमेर में आने वाले धार्मिक त्योहारों को देखते हुए एसपी ने प्रमुख मार्गों पर निकाला रूट मार्च, शांति से त्योहार मनाने की अपील की। साथ ही ईदगाह का भी निरीक्षण किया, ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। डूंगरपुर में भाजपा प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा ने बीटीपी के नेताओं के बयान को लेकर निशाना साधा। बीटीपी के नेताओं द्वारा मानगढ़ संदेश यात्रा और मानगढ़ धाम पर दिए बयान पर निशाना साधा है। डूंगरपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आध्यात्मिक सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार में कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से आमजन के साथ अस्पतालों की सेहत में भी सुधार हो रहा है। जिले में अब तक 16,222 लोगों को निःशुल्क उपचार मिला है। डूंगरपुर में ट्रैक्टर के पलटने से उप सरपंच के पति की मौत हुई। खेतों में हल चलाते समय अचानक बेकाबू हो गया ट्रैक्टर। अस्पताल में जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जैसलमेर में ईद उल फितर और धार्मिक कार्यक्रमों के मद्देनजर सीएलजी की बैठक हुई। थानाधिकारी अजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सीएलजी ने ईद पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। लाडनू में पंचायत समिति सभागार में आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए शांति समिति सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में आपसी भाईचारा बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। नागौर के कलेक्टर सभागार में कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। कलेक्टर ने अवैध खनन और लैंड कन्वर्जन को लेकर निर्देश दिए। सीमा ज्ञान और नामांतरण के प्रकरणों का भी निस्तारण किया जाएगा। प्रतापगढ़ की गांछा गली में हुए टेम्पो चोरी के मामले में पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार के बाद चोरी की गई टेम्पो भी बरामद की। दोनों बदमाश टेम्पो के पार्ट्स बेचने की फिराक में थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 74वें स्थापना दिवस पर पदाधिकारियों ने बांसवाड़ा मुख्यालय में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। साथ ही जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। धार्मिक नगरी अजमेर में दाऊदी बोहरा मुस्लिम समाज के लोग ईद उल अजहा का त्यौहार मना रहे हैं। क्लॉक टावर थाने के पीछे दाऊदी बोहरा समाज की मस्जिद में समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा की, एक दूसरे को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा में करीब 12,000 बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े इन बच्चों को सरकार बीते 4 माह बाद भी पोषाहार मुहैया नहीं करा पाई। जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा की ओर से भामाशाह पोषण पखवाड़ा चलाकर कुपोषित बच्चों को पोषाहार मुहैया कराया जा रहा है। भरतपुर के उद्योग नगर थाना इलाके में रेलवे ट्रैक पर विवाहिता का शव मिला। मृतका कल्पना पीहर में रह रही थी। कल्पना के परिजनों ने बताया कि उसके दोनों देवर उससे मिलने आए थे और उसे अपने साथ ले गए थे। डूंगरपुर में मानसून की पहली बारिश के बाद किसान बुआई में जुट गए, लेकिन डीएपी खाद के टोटे ने भूमि पुत्रों की चिंता बढ़ा दी है। डूंगरपुर में इस साल 1,45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का लक्ष्य रखा गया है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के दिसनाऊ गांव में चाची और भतीजे ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंपा जाएगा।
बीकानेर में ईदगाह पर नमाज अदा होगी। बड़ी ईदगाह में 8:30 पर नमाज अदा की जाएगी। ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष हाफिज फरमान अली ने बताया कि होने वाली ईद की नमाज को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीकानेर में शक्ति अभियान के तहत गुड टच बैड टच और महावारी स्वच्छता प्रबंधन विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। कलेक्टर भगवती प्रसाद कपाल ने नापासर के गीता देवी बागड़ी राजकीय विद्यालय में कार्यक्रम में शिरकत की। जोधपुर में दो पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी को चालानी गार्ड ने शहर घुमाया। सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन इस मामले में एक हेड कांस्टेबल और 4 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। झालावाड़ में विलुप्त हो रहे गिद्धों का कुनबा बढ़ रहा है। लॉन्ग बिल्ड वल्चर प्रजाति के गिद्ध राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र में ही बचे हैं। झालावाड़ में गागरोन किले के भीमसागर बांध और छापी बांध के पास गिद्धों का आश्रय स्थल है। गिद्धों की संख्या 50 के पास पहुंच गई है। झुंझुनू में विवाहिता को उसके पति और बेटे ने जानवरों की तरह जंजीरों से बांध कर रखा हुआ है। महिला की बेटी ने बताया कि उसकी मां उर्मिला मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए पिता और भाई उसे जंजीर से बांध कर रखते हैं। स्वागत है और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की। जोधपुर के भोपालगढ़ में महावीर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नो बैग डे के साथ बाल सभा का आयोजन हुआ। वहीं प्रवेश उत्सव रैली भी निकाली गई, जहां 108 बालिकाओं ने भाग लिया। प्रतापगढ़ के देवगढ़ में दो युवतियों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया, मामले की जांच शुरू कर दी है। बारह के अंता में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रेस्क्यू किया और मगरमच्छ को वापस नदी में छोड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि मगरमच्छ नदी से निकलकर घरों में घुस गया था। डूंगरपुर एसीपी की ओर से स्थायी वारंटियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान। बिछेवाड़ा पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने 5,000 के इनामी बदमाश को गुजरात से गिरफ्तार किया। सवाईमाधोपुर के बोली में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। एसडीएम के निर्देशन में भेडोली में कार्रवाई करते हुए जेसीबी की सहायता से रास्ते से हटवाया अतिक्रमण। पुलिस भी मौके पर रही मौजूद। बारह के अंता में आगामी त्योहारों को लेकर एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में हुई सीएलजी और शांति समिति की बैठक। बैठक में त्योहार को भाईचारे और प्रेम सौहार्द से मनाने के लिए कहा गया। राजाखेड़ा के नागर गांव के बीहड़ों में मिला अधेड़ का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस कर रही मृतक की शिनाख्त। ब्यावर के नगर परिषद के सभापति के पद पर गोविंद पंडित हुए नियुक्त। पूर्व सभापति नरेश कनौजिया के निलंबन के बाद राज्य सरकार ने सौंपा पदभार। बारह के छिपा बड़ौद में लहसुन मंडी में कीचड़ और गंदगी। व्यापारियों और किसानों को करना पड़ रहा भारी परेशानियों का सामना। कई बार उच्च अधिकारियों को भी कराया अवगत। अजमेर के ब्यावर में ब्लाड के गढ़ी थोरियान के लोधा का बाड़िया गांव रोड से अज्ञात चोर मिनी ट्रांसफार्मर चुरा कर ले गए। ट्रांसफार्मर चोरी होने के कारण पास में ही स्थित अंबेडकर कॉलोनी की विद्युत गुल हो गई। जैसलमेर के नाचना में थाना अधिकारी अजीत सिंह की अध्यक्षता में सुरक्षा सखी बैठक का आयोजन हुआ। रिटायर्ड महिला कर्मचारी युवतियों और छात्राओं को सखी बनाने के लिए प्रेरित किया गया। ब्यावर शहर में कई दिनों से पेयजल पाइपलाइन लीकेज होने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, जिसके क्षेत्र निवासियों ने कई बार जलदाय विभाग को शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। जोधपुर में ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा चाक चौबंद व्यवस्था के साथ शांति के साथ संपन्न हुई। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि 65 परीक्षा केंद्रों पर 17,682 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 1,469 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। झालावाड़ की बकानी पुलिस ने 5,000 रुपए का इनामी हार्डकोर अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की, जो भालता थाने का हिस्ट्री शीटर है। आरोपी छगनलाल उर्फ छगनिया को खीमाखेड़ी रूपपुरा गांव के जंगल से गिरफ्तार किया। उदयपुर से सीकर सप्लाई होने के लिए आ रही 1.5 लाख रुपए की अफीम के साथ दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही कब्जे से कार और इलेक्ट्रिक काटा भी पुलिस ने जब्त किया। सरहदी जिले जैसलमेर में लोगों को डीजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि मांग का 1/4 डीजल उपलब्ध कराया जा रहा है। 2-3 दिन में डीजल का एक टैंकर पंप पहुंच रहा है। जैसलमेर के बाजारों में खरीदारी परवान पर है। बकरा मंडी का बाजार भी सज चुका है। बाजार में भीड़ दिखाई दे रही है। कुर्बानी देने के लिए बकरों की खरीदारी हुई है।
करौली में दो पक्षों में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति मार्च निकाला। एसपी नारायण टोगस ने वीडियो जारी कर आमजन से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के ततारसर गांव में स्कूल की तालाबंदी पांचवें दिन भी जारी है। स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर ग्रामीण अनशन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक अनशन जारी रहेगा। सिरोही के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के बनास फोर लाइन हाईवे पर घी से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर का एक हिस्सा हाईवे के बीच डिवाइडर पर पलट गया। टैंकर से घी सड़क पर बह गया। ग्रामीण बाल्टियों और बोतलों को लेकर घी भरने लगे। पुलिस ने क्रेन की मदद से टैंकर को साइड में करवाया। घी से भरा टैंकर गांधीधाम से उत्तराखंड के रुद्रपुर जा रहा था, तभी ये हादसा हो गया। नागौर के रियाबड़ी में तहसीलदार महेश शेषमा ने शांति समिति की बैठक ली। बैठक में ईद का त्यौहार शांति से मनाए जाने की अपील की। सभी समुदायों से त्यौहार के दौरान प्रदेश में लगी धारा 144 की पालना करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में ईद उल अजहा और गुरु पूर्णिमा के त्यौहारों को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। शहर के संवेदनशील इलाकों से निकाला पैदल मार्च। कलेक्टर सौरभ स्वामी सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद। नागौर के लाडनू में संत धीरज राम महाराज का लोगों ने भव्य स्वागत किया। संस्कार में चातुर्मास के लिए लाडनू आगमन पर स्वागत हुआ। पाली के देसुरी में पेड़ पर बैठे चार बंदरों पर गिरी बिजली। हादसे में चारों बंदरों की मौत हुई। वार्ड पंच और अन्य लोगों ने विधि विधान के साथ दफनाकर बंदरों का अंतिम संस्कार किया। बारा की छिपा बड़ौद में अनियंत्रित बाइक नाले में गिरी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। मौके पर जमा हुई भीड़ ने युवक को पहुंचाया अस्पताल। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।